हेलो गायज पहले माय यूट्यूब चैनल अड्डा फॉर सक्सेस और अभी यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा अगर कोई चर्चित मुद्दा है तो वो यू की कट ऑफ तो गायज अगर आप ये होप लेकर वीडियो देख रहे हैं कि मैं इसमें कोई भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ तो आप बिल्कुल वीडियो छोड़ के जा सकते हैं क्योंकि अभी कोई भी चैनल वाला या कोई भी जितने भी लोग कट ऑफ बता रहे हैं वो केवल रा बेस के जो आपका जो रा है उसके बेस पर कट ऑफ बता रहे हैं और अब मैं आपकी इन्फॉमेशन के लिए बता दूं कि जितने भी राम मार्क्स होते हैं अगर आप एसएससी की तुलना करेंगे आप रेलवेज़ की तुलना करेंगे तो आपका जो राम मार्क होता है वो तब तक मैटर नहीं करता है जब तक कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो जाती है ठीक है और दूसरी बात यूपीएसआई के सिलेक्शन में अगर आपको पी या फिर डी के लिए बुलाया जाएगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए बुलाया जाता है आपको या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है तो आपका मार्क शो नहीं होता है द मेन पॉइंट इज़ आपका जो मार्क है वो शो नहीं होगा आपका केवल एक डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया जाता है पी फाइल अपलोड कर दी जाती है उसमें केवल आपका रोल नंबर होता है और उस रोल नंबर के अकॉर्डिंग आपको जाना होता है और आपका जो कटआफ होता है आपका नॉर्मलाइजेशन कितना हुआ कितने नंबर कम मिले ये सारी चीज़ें आपका जब फाइनल सिलेक्शन होता है मेरिट लिस्ट आती है उसके बाद ये सारी चीज़ें आपको क्लियर की जाती हैं तो फिलहाल अभी जितने भी लोग राम रामार्क बेसिस पर कटाव बता रहे हैं मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत है लेकिन ये भी नहीं सही है कि इससे आप हतोत्साहित हो जाएं या फिर अगर किसी ने हंड्रेड क्वेश्चन किए तो उसको लगता है कि मेरा दौड़ना बेकार है या ऐसी सारी चीज़ें लेकर अगर आप अभी आपके मन में हैं तो बिल्कुल आप निराश ना हों क्योंकि अगर आप निराश हो गए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत आगे चल के आपसे नहीं होने वाली हैं एज अगर आप अभी से आराम करके बैठ गए आपको लगता है मेरा सिलेक्शन नहीं होगा आप पहले से एकदम श्योर हैं कि मेरा सिलेक्शन नहीं होता और हो सकता है नॉर्मलाइजेशन में जिस फेज़ में आपने एग्ज़ाम दिया हो वो फेज़ सबसे टफ फेज़ रही हो और आपके नंबर बढ़ जाते हैं अगर ऐसी सबसे पहले गैस वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको थोड़ी सी जानकारी दे, दे देते हैं एग्ज़ाम के बारे में जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि अभी जो एग्ज़ाम डेट्स के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं तो आपका जो एग्ज़ाम डेट थे जो भी एग्जाम डेट्स थी ये क्या थी पहला फेज़ आपका क्या था बारह नवंबर से सत्रह नवंबर तक पहले फ़ेज़ का एग्ज़ाम जो था वो बारह से सत्रह नवंबर तक था अब इसमें क्या थी बहुत सारी चीज़ें थी बारह नवंबर के और सत्रह नवंबर के एग्ज़ाम में बहुत सारी चीज़ें थी पहला तो किसी को पैटर्न नहीं पता था कि एग्ज़ाम कैसे आने वाला है ठीक है और अगर आप फर्स्ट फेज़ कंपेयर करेंगे तो इट वाज इजी क्योंकि जब किसी भी एग्ज़ाम में स्टार्टिंग दिनों में एग्ज़ाम होते हैं तो उनके पास क्वेश्चन होते हैं बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं वो उनमें से किसी भी क्वेश्चन को पुट कर सकते हैं लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम होता जाता है गाइड जैसे जैसे एग्ज़ाम होता जाता है उनके पास क्वेश्चंस की कमी होती जाती है और बहुत सारे अनसीन क्वेश्चंस एग्ज़ाम पेपर में पुट किए जाते हैं तो दैट्स वाई ये रीज़न होता है मेन रीज़न होता है किसी भी एग्ज़ाम के नॉर्मलाइजेशन का क्योंकि अधिकतर होता गया जो शुरुआती दिनों के एग्ज़ाम होते हैं उनमें से कुछ ना कुछ सीन क्वेश्चन या जी को छोड़ दिए जी की बात करना ही बेकार है क्योंकि जी एक ऐसा विषय है जिसमें कोई भी हंड्रेड नहीं हो सकता है और हो सकता है कुछ लड़के ऐसे हों जिन्होंने अच्छा स्कोर कर लिया हो थर्टी प्लस फोर्टी फाइव प्लस तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ नहीं कर सकते लेकिन हमें टॉपर नहीं बनना है द मेन पॉइंट इज़ मेरी सबसे ज़रूरी और मेरे को लगता है कि सबसे अच्छी बात आपको ये समझनी चाहिए कि हमें टॉपर नहीं बनना है मुझे बस मेरी एक सीट चाहिए आपके दिमाग में बस ये होना चाहिए किसी भी एग्ज़ाम से पहले अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं एग्ज़ाम देने के बाद आपके माइंड में सिर्फ़ एक चीज़ होनी चाहिए कि मुझे टॉपर्स से कोई मतलब नहीं है मुझे नीचे से पहला स्थान दे दो बस मेरा सिलेक्शन हो जाए द पॉइंट शुड बी इन योर माइंड कि मतलब मेरा सिलेक्शन हो जाए चाहे नीचे से पहला नंबर मुझे दे दो बस मैं सिलेक्शन लिस्ट में मेरा नाम होना चाहिए पहली बात आप टॉपर्स की बात छोड़ दीजिए जो भी 140, 130, 120 प्लस वाले हैं एक प्लस वाले इन लोगों के बाद ही छोड़ दीजिए क्योंकि ये इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं जिनका 135, 125 नंबर है उनकी फ़िजिकल ना सही हो फिजिकल स्ट्रेंथ वीक हो पॉसिबिलिटी है उनके मेडिकल में कोई प्रॉब्लम आ सकती है या भी पॉसिबिलिटी है उनकी हाइट ही ना हो वो तो ख़ुद को चेक कर रहे हो तो ये सिचुएसन बहुत जगह होती है क्योंकि अगर आप हमेशा निगेटिव चीज़ें सोचेंगे तो कुछ होने वाला है नहीं बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं जो आपको सोचनी पड़ती हैं दूसरा पॉइंट अब भी सेकेंड फेज जो था वो बीस नवंबर से पच्चीस नवंबर गुड एट ऑल तीसरा फेज़ सत्ताईस से दो दिसंबर और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको कि जितने भी फेजेस के एग्ज़ाम हुए हैं आप फाइव फाइव क्वेश्चन जितनी भी घटाप जाएगी उससे एवरेज फाइव टू तो सिक्स क्वेश्चन कम होते जाएंगे चलिए अब हम आपसे यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा सा एन एवरेज लेके चलते हैं बातें करते हैं गाइस और मैं थोड़ा सा प्रूव करता हूँ आपको यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ बताने की कोशिश करता हूँ अगर आप वैसे आपको समझ में आनी चाहिए जैसे मान लीजिए फ़र्स्ट फेज में किसी लड़के ने पेपर दिया और उसका कितना आ रहा है एक सौ दस करेक्ट क्वेश्चन है ठीक है फर्स्ट फेज़ में दिया और किसी ने क्या करा है आ, थर्ड फेज में एग्जाम दिया एंड उसके क्या आ रहे हैं आपके नाइन्टी नाइन क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है अब जब नॉर्मलाइजेशन किया जाता है तो इस लड़के का जो मार्क होता है इस लड़के के नियर अबाउट कंपेयर करना पड़ता है कि अगर इस पेपर का लेबल देखिए अगर डिफ़िकल्टी लेबल सेम है फिर तो कोई दिक्कत नहीं और अगर डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है तो इस लड़के को इसके नियर अबाउट लाया जाएगा तो इसमें क्या होगा इस लड़के का इतना नंबर कम होगा कि इसके नियर अबाउट पहुँचिए तो अगर यहाँ पर जो ये मान लीजिए ये नाइन्टी नाइन वाला लड़का है ठीक है और अगर ये नाइन्टी नाइन वाले को क्या करते हैं लोग एक सौ दस ए जी पेपर इसको कम करके नाइन्टी वन ज़ीरो फाइव और इसको उठा के वन ज़ीरो फाइव मीन्स इसका नुकसान होगा इसका फ़ायदा होगा तो ये होता है नॉर्मलाइजेशन तो ऑबियसली इसमें कितने फिफ्टी फाइव प्लस फेजेस में एग्ज़ाम हुए हैं ठीक है आपके जो एग्ज़ाम हुए फिफ्टी फाइव फिफ्टी फाइव प्लस शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं और पर शिफ्ट अगर आप एक नंबर या आधे नंबर का फ़र्क देखेंगे तो पूरे एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन के बाद बीस से पच्चीस नंबरों का फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा ओवरऑल कटाव में जब आपकी फाइनल लिस्ट आएगी तो आपको क्लियरली दिख जाएगी कि जो कटाव में चेंजेस होने वाले हैं वो मिनिमम ट्वेंटी नंबर होने वाले हैं किसी न किसी बंदे का किसी न किसी से ट्वेंटी नंबर का डिफरेंस रहने वाला है एंड ये होने वाला है नॉर्मलाइजेशन अकॉर्डिंग टू मी अगर आप नाइन्टी फाइव प्लस भी हैं जितने लोगों ने बहुत सारे लोगों ने सर्वे कराया है और बहुत सारे लोगों ने ऑलरेडी बता दिया मैं भी ये कह रहा हूँ कि अगर आप नाइन्टी प्लस भी हैं कैटेगरी मैटर नहीं करती अगर आप 95 प्लस हैं और आपका फेस थर्ड पड़ रहा है या फिर आपको लगता है कि आपका एग्ज़ाम एवरेसि टफ़ था तो ऑब्वियसली आपको फ़िजिकल के लिए प्रिपेयर होना होता है क्योंकि मैं आपको फ़िजिकल के बारे में बहुत सही फैक्ट बता रहा हूँ कि फिज़िकल के एग्ज़ाम में अगर दस बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं भाई साहब अगर दस लोग दौड़ने जाते हैं तो इसमें से तीन या चार ही ऐसे होते हैं जो लोग उस फिज़िकल की स्ट्रेंथ को कंप्लीट करके अपनी जो रनिंग स्टेटस है उसको पूरा कर पाते हैं बाकी छः लोग रनिंग का स्टेटस नहीं पूरा कर पाते हैं ये आप लिख के ले लो तो अगर इन लोगों ने पचास हज़ार बच्चों को भी बुलाया तो उसमें से केवल दस हज़ार ऐसे बच्चे होंगे या दस हज़ार से भी कम ऐसे बच्चे होंगे जो अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ पूरी कर पाएंगे गैस आइए बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में तो सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि आपको पता है पहले आपने क्या करा रिटर्न एग्जाम आपका कंप्लीट हो गया अब आपका आएगा पी एस मैंने पहले बताया था फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पी एस टी एंड डी बी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन तो डॉक्यूमेंट वेरीफ़िकेशन में आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट आपने ऐड कर दें सारे डॉक्यूमेंट रेडी करके रख लें क्योंकि मुश्किल से एक महीने के अंदर सारी प्रक्रिया पूरी होने वाली है उसके बाद फिर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा उसके बाद आपको रनिंग के लिए बुलाया जाएगा ठीक है पहले जब आप पी एस टी के लिए जाएँगे तो आपकी हाइट एंड चेस्ट दोनों चीज़ें क्लियर कर दी जाएंगी आपका डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन हो जाएगा आपको घर भेज दिया जाएगा उसके बाद अगले तीन या चार दिन के अंदर पाँच दिन के अंदर आपको रनिंग के लिए बुला लिया जाएगा आपको रनिंग करनी है और आपको रनिंग केवल कंप्लीट करनी है इसमें मैटर नहीं करता आप ट्वेंटी फोर मिनट्स में करो या ट्वेंटी मिनट्स में करो अकॉर्डिंग टू मी एज़ आई नो और जितने भी मेरे मेरे पास जानकारी है ये मैटर बिल्कुल नहीं करता कि आप कितने मिनट में दौड़ रहे हो बस आपकी दौड़ कम्प्लीट होनी चाहिए ट्वेंटी मिनट्स में नेक्स्ट जो होता है मेडिकल एग्जामिनेशन तो मेडिकल एग्जामिनेशन में एज आपको ज़्यादा कुछ चेक नहीं किया जाता आपके मतलब जो कुछ चीज़ें होती हैं जो चेक की जाती है लाइक आपको कोई स्किन डिजीज़ नहीं होनी चाहिए एंड हाइड्रोसील समथिंग ये सारी प्रॉब्लम्स होती है ये सारी चीज़ें आपको नहीं होनी चाहिए अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी हैं अगर आप, आपकी बॉडी जो बहुत ज़्यादा दुबली बदली दिखने में लगती है तो आपको ट्यूबर क्लोसिस की जांच के लिए आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है वो भी पंद्रह दिन का टाइम देने के बाद कि आप वहाँ से नो इशू का सर्टिफिकेट लेकर आ जाइए कि आप इस तरीके के किसी भी प्रकार के रोगों से पीड़ित नहीं हैं तो ये होता है आपका मेडिकल ठीक है अब गाइस अब एग्ज़ाम और कटाउट की सारी चीज़ें अभी तो चल ही रही हैं फिलहाल अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो बहुत ज़्यादा फ़र्क डालने वाली हैं कि मतलब आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा पहला रनिंग स्टेटस क्लियर हो चुका है दूसरा फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर आप कह सकते हैं पी एस टी बी से वो भी हो गया और तीसरा होता है नॉर्मलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट नॉर्मलाइजेशन का है तो विदाउट नॉर्मलाइजेशन कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं बनती है कि मतलब ये इसका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा और जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के खट्टा मैटर नहीं करेगा आपके लिए अगर आपने अच्छा स्कोर किया अगर आपको लगता है कि आपकी शिफ्ट बहुत ज़्यादा हार्ड वाली थी या आपकी शिफ्ट टीजी वाली थी एग्जाम पेपर के अनुसार आपको पता चल जाएगा और एक चीज़ और याद रखना गाय जी जितने लोग आप लोगों को नंबर दिख रहा है ना बहुत अच्छे नंबर वाले ये सारे टॉपर्स आप इनसे अपना कंपेयर बिल्कुल ना करें अब बात कर लेते थोड़ा लड़कियों के बारे में एंड इफ़ यू आर अ गर्ल एंड आपने अप्लाई करा था एस आई के लिए और आपको लग मतलब अभी अट्ठारह सौ सीटें हैं नियर अबाउट एज़ आई नो नियर अबाउट एटीन हंड्रेड so सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए अट्ठारह अट्ठारह सौ सीटें हैं तो भाई साहब अगर आपने मतलब अगर आपने दो सौ भी क्वेश्चन मतलब तो आपका नंबर जो है दो ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी टू थर्टी आ रहा है तो बिल्कुल आप सेफ हैं और दूसरी बात बॉयज़ की जो रनिंग स्टेटस होती है जो बॉयज़ का रनिंग स्टेटस होता है तो ये लोग इज़ली मतलब बहुत सारे लड़के होते हैं जो इज़ली अपना रनिंग स्टेटस पूरा कर लेते हैं लेकिन गर्ल्स में क्या सीन होता है हमने देखा है पिछली बार वैकेंसीज़ में कि दो बार तीन बार इन लोगों को बुलाया जाता है शिफ्ट में क्योंकि इनकी रनिंग पूरी नहीं हो पाती है ठीक है तो अगर आप इनकी मेरिट जितनी भी रहेगी उससे भी मेरिट कम की जाएगी पोस्ट भरने के लिए उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मतलब आपको पॉइंट दिख जाएगा एस और एस सी कटेगरी का तो एस सी कैटेगरी की मुझे जहाँ तक पता है वैकेंसीज खाली रह जाती हैं कोई ना कोई ऐसा होता है जिसमें इनकी वैकेंसी फ़िल नहीं हो पाती है और वो वैकेंसी खाली की खाली ही रह जाती है तो इसलिए उनके भी कटाव के बारे में ज़्यादा सोचने की प्रॉब्लम नहीं है अगर आप एक्स सर्विस मैन हैं या फिर आप एक्स आर्मी मैन है तो आप लोगों को ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोग का तो इसलिए हो जाएगा उसमें कोई दिक्कत है नहीं तो ये थे बहुत सारे पॉइंट्स एंड रही बात नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर की तो आप रा मार्क्स को लेकर ज़्यादा बिल्कुल चिंतित ना हो सकता है कि जिस कट जिस पाली में आपने पेपर दिया वो भी पाली सबसे ज़्यादा कठिन क्वेश्चंस वाली रही हो तो पूरे पूरे चांसेस है जा पाँच से सात क्वेश्चन बढ़ जाएंगे और मैं बताऊँ आपको भारी संख्या में लड़के रनिंग के लिए भी बुलाए जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाए जाएंगे सो दैट वॉज माई पॉइंट थैंक्स फॉर वॉचिंग